तो आज की रेसिपी में है चिवड़ा, जिसके अंदर हम भर भर के ड्राई फ्रूट्स डालने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पोहे लिए हैं ना, वो एकदम ही पतले हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो कितने पतले, एकदम फ्लेक्स जैसे पोहे हैं। और अब इनको हमें ना थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, शेक लेंगे, जिससे कि एकदम ही क्रिस्पी हो जाएंगे और ज़्यादा ऑयली नहीं रहेंगे। अब उसके लिए हम गैस को ऑन करेंगे। उसके ऊपर हमने ये कढ़ाई रख दी है बड़ी सी, और उसको हम उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये जो हमारे पोहे हैं ना, वो ऐड कर देंगे। और इसको अब हमें यूं ही बिना कुछ डाले, ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं डालना है, ना ही घी डालना है, ना बटर डालना है, और ऐसे ही हमें इसको रोस्ट कर लेना है। तो आराम से रोस्ट कीजिएगा ताकि ये टूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत पतले हैं और एकदम नाजुक से पोहे हैं, तो टूट नहीं जाने चाहिए। ये हर जगह से अच्छे सिके, इसके लिए हम इसको पूरा का पूरा एक साथ नहीं सेक रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा लेके ही रोस्ट करेंगे। अब जो हमारे पोहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको हम रोस्ट करते जाएंगे और एक बड़ा सा हमने यहाँ पे पतीला ले लिया है, उसके अंदर निकालते जाएंगे। ये देखिए, ये सेक गए हैं, रोस्ट हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। एक बैच रोस्ट हो चुका है, उसको निकाल के और इसी तरह से हम सारे पोहे रोस्ट कर देंगे। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है कलर। ये देखिए इसका कलर, और ये जो रोस्ट हुआ है ना, उसका कलर आप देख सकते हो, एकदम माइनर चेंज है। ये देखिए, पोहे हमारे सिक चुके हैं और आप इसका आवाज़ सुन सकते हो, एकदम करारा आ रहा है। तो इस तरह से आपको सारे पोहे इसी तरह से सेक लेने हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके सिकोगे ना, तो क्या होगा कि अच्छे से सारे पोहे सिक पाएंगे, वरना एक ही साथ सारे पोहे सेकोगे तो फिर वो कहीं कच्चे रह जाएंगे और कहीं पक जाएंगे, ऐसा होगा, तो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी जब आप इसे खाओगे तब। तो ये देखिए, पोहे हमारे जो सिक चुके हैं ना, उसे हमने एक अलग थाली में ले लिया है, और अब हम गैस के ऊपर एक बड़ा सा पतीला रखेंगे और उसी के अंदर हम सारा मसाला करेंगे। तो ये पोहे हम इसके अंदर ही मसाले करेंगे, पर इस वाले बड़े पतीले में करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल, 3-4 चम्मच जितना ऑयल ले लेना है हमें। अब इसके अंदर एकदम थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, करीब 1/2 टेबल स्पून या फिर 1 टीस्पून बोलो, उतना ऐड कर देना है। और जीरा चटक जाए ना, फिर उसके बाद हमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची, और सब कुछ हमें अच्छे से पका लेना है। कोई भी चीज़ ना हमारी गीली नहीं रहनी चाहिए, वरना फिर पोहे जो है ना, वो एकदम सॉगी हो जाएंगे। तो सारा कुछ हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका हो, ऐसा ट्राई कीजिएगा। ड्राई यानी कि जो पक चुका हो, एकदम क्रिस्पी जैसा हो जाए ना, वैसा हो जाना चाहिए। तो थोड़ी सी मिर्ची फ्राई हो जाए, उसके बाद फिर हमें ऐड करना है यहाँ पे मूंगफली के दाने ऐड करेंगे, इसे भी एकदम क्रिस्पी कर देने हैं। इसके अंदर भी मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अब ये देखिए, हमारी मूंगफली और मिर्ची तो हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सूखा नारियल जो होता है ना, खोपरा, वो ऐड करना है। उसको हमने छोटा छोटा सा यानी पतला फ्लेक्स कट कर लिया है, और उसे भी अच्छे से फ्राई कर देना है। तो आप मिर्ची देख सकते हो कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और उसी तरह से कोपरे को भी अच्छे से फ्राई कर देना, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब तक फ्राई कर दीजिएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर ना हमने जो रोस्टेड चना की दाल होती है, यानी कि जो दाढ़िया होता है ना, वो ऐड किया है। फिर काजू ऐड किया है, काजू के छोटे टुकड़े कर दिए थे, और हमने साथ में किशमिश भी ऐड कर दी है। किशमिश अगर आपके पास बड़ी हो तो छोटे टुकड़े करके भी ऐड कर सकते हैं, और ये सब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो वो डालता हुआ वीडियो जो है ना, वो मिस हो गया था, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर काजू, किशमिश, डालिया सब कुछ प्रेजेंट है। और आप कोपरे का कलर भी देख सकते हैं, अच्छे से चेंज हो चुका है, ये रोस्ट हो चुके हैं हमारा कोपरा जो है वो।
लगता है किशमिश जो है ना वो एकदम फूल के एकदम बलून जैसी हो गई है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है करी पत्ता। करी पत्ता जो है वो चेवड़े में बहुत ही टेस्टी लगता है और उसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ही अच्छी आती है चेवड़े में, तो ज़रूर डालिएगा और उसे भी अच्छे से फ्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे खाओगे ना तो ये क्रिस्पी लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्ट में भी अच्छा लगता है। अभी इसके अंदर मसाले डालेंगे, तो सबसे पहले डालेंगे हम तिल। हमने यहाँ पे एक चम्मच जितने वाइट तिल होते हैं ना वो ऐड किया है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हींग और अब ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही ऐड करना है, एक चम्मच जितना। ये सारे मसाले जो है उसे हम मिक्स कर देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली में। तो ये मसाले भी हो चुके हैं और सारे ड्राई फ्रूट्स भी डल चुके हैं। अब बारी है हमने जो पोहा रोस्ट किए थे वो डालने की, वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है। जो हमने हल्दी पाउडर डाला है ना उसकी वजह से ये येलो कलर आता है ना वो बहुत ही सुंदर दिखता है। ये देखिए धीरे धीरे से सारे पोहे पे इस तरह से येलो कलर आ जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दीजिएगा। और अब इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम पीसी हुई चीनी ऐड कर रहे हैं, आप ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा। सा खट्टे के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये पिंच ऑफ हमने नींबू के जो फूल आते हैं उसका हमने पाउडर बना दिया है, वो ऐड कर देंगे। एकदम पिंच जितना ही ऐड करना, क्योंकि ज़्यादा नींबू के फूल डालोगे ना तो फिर वो खट्टा ज़्यादा लगेगा। और अब इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे, जैसे कि हमने जो आखिर में सारे डाले ना मसाले वो भी बढ़िया तरीके से अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सारे मसाले जो हमने डाले थे, ड्राई फ्रूट्स डाले थे, नमक डाला था, पीसी हुई चीनी डाली थी, सब कुछ बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है और हल्दी का ना एक बढ़िया सा कलर आ गया है। तो यहाँ हमारा चिवड़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पसंद है या नहीं पसंद है, क्योंकि मेरा तो ये वाला चिवड़ा जो है ना वो बहुत ही फेवरेट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो।